नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल SMTE बरगढ़ कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सिंगल फेज मोटर, उस सिंगल फेज मोटर के अंदर जो मोटर अपनी आती है वो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और उस परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अंदर भी जो मोटर ले रहा हूँ वो है मदानी मोटर, जो घरों के अंदर अपन डेली यूज में लेते हैं। आज मैं इस मोटर के बारे में आपको बताऊंगा और इस मोटर के जैसे अपन कोई भी इसके अंदर फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट को कैसे दूर किया जाता है, या इसके अंदर कोई वायर वगैरह कनेक्शन वगैरह जो टूट जाता है उसको कैसे ठीक किया जाता है, इसकी कैसे मेंटेनेंस की जाती है, कैसे इसकी मरम्मत की जाती है, कैसे इसके कनेक्शन होते हैं, और इसके अंदर इसकी रीवाइंडिंग के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज में लिया जाता है, और कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपन जो ये मोटर यूज में ले रहे हैं उस मोटर में जो ये मधानी मोटर है, इस मधानी मोटर के अंदर रीवाइंडिंग के लिए अपन कौन कौन सा मटेरियल यूज में लेते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपन जो मटेरियल यूज में लेते हैं वो लेते हैं कॉपर वायर। दोस्तों इसके अंदर अपन एल्यूमिनियम वायर भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी वाइंडिंग के लिए या अच्छी लाइफ के लिए अपन कॉपर वायर ही इस का यूज में लेते हैं। अब बात यह आती है जो कॉपर वायर भी जो अपन यूज में लेते हैं वो होता है 35SWG वायर अपन यूज में लेते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है वाइंडिंग वाइट पेपर, तीसरा इसके अंदर आता है स्लीव, चौथा इसके अंदर आता है कनेक्शन वायर। ये इसके अंदर ये सारी चीजें अपन इसमें काम में लेते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। ये जो मोटर है इस मोटर की जब अपन वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करने के लिए अपने को जो चीज अपन लेते हैं जो सामग्री काम में लेते हैं वो कॉपर वायर लेते हैं, वाइंडिंग वाइट शीट भी लेते हैं और इसमें स्लीव लेते हैं, कनेक्शन वायर लेते हैं, और एक इसके अंदर जो काम में लेते हैं वो लेते हैं जैसे अपन ने इसके अंदर कॉइल अपन ने बनाई रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, क्योंकि जो ये सिंगल फेज जो मोटरें होती हैं इनके अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो रनिंग वाइंडिंग होती है और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इन दोनों के मध्य आपस में ये शॉर्ट ना हो तो इन शॉर्ट से बचाने के लिए अपन इसको क्या करेंगे, इसके बीच में एक सेपरेटर लगा देते हैं, इसके बीच में एक सेपरेटर लगा देते हैं। अब वो सेपरेटर अपन ग्रीन पेपर जो अपना आता है उस ग्रीन पेपर भी अपन यूज में ले सकते हैं, या अपनी एक कॉटन टेप आती है कॉटन पेस्ट टेप जिसको बोला जाता है वो भी अपन इसमें यूज में ले सकते हैं। ये जो अपन वाइंडिंग स्थापित करते हैं इसके अंदर मोटर के अंदर ये एक स्टेटर होता है और इस स्टेटर के अंदर यहां पे स्लॉट्स कटे हुए होते हैं,
जिनको खांचा खांचे बोला जाता है, खांचे कटे हुए होते हैं और ये बीच में यहां पे रोटर स्थापित किया जाता है, यहां पे बीच में ये रोटर स्थापित किया जाता है जो घूर्णन गति करता है। ये जो खांचे कटे हुए होते हैं इन खांचों के अंदर ये जो वाइंडिंग जो पेपर होता है इसको स्थापित किया जाता है। इसको स्थापित क्यों किया जाता है? इसको स्थापित इसलिए किया जाता है कि जो स्टार्टर जो स्टेटर होता है ये भी एक चालक होता है, तो इस चालक के मध्य इस वाइंडिंग जो वायर जो जिनको क्वाइल बोला जाता है इन क्वाइल और इस ये जो चालक है इस चालक के मध्य एक इंसुलेट करने के लिए एक ये अचालक पदार्थ इसके अंदर डाल दिया जाता है, मतलब इसके अंदर वाइंडिंग पेपर इन खांचों में डाल दिया जाता है ताकि जब क्वाइल है वो क्वाइल जब गर्म होती है तो गर्म होने से ये इस चालक के संपर्क में ना आए, स्टेटर के संपर्क में ना आए। यदि ये इसके संपर्क में आ जाती है तो इसके अंदर अर्थ लीकेज हो जाता है। अब आगे चलते हैं, ये जो अपन कॉपर जो वायर है ये 35 SWG का वायर अपन लेते हैं, मधानी के अंदर टोटल 8 क्वाइल बनती हैं, मधानी के अंदर टोटल 8 क्वाइल बनती हैं। इसके अंदर कुल 8 क्वाइल बनती हैं, मधानी के अंदर कुल 8 क्वाइल बनती हैं। अब ये जो 8 क्वाइल बनती हैं इनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसमें कितने टर्न लगाए जाते हैं? जैसे एक क्वाइल जो होती है अपनी, एक क्वाइल जब अपन बनाते हैं तो इसमें जो टर्नों की संख्या लेते हैं वो 230 लेते हैं, 230 टर्न। दोस्तों इसके अंदर अपन टर्न कम भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 210 भी ले सकते हैं, 220 भी ले सकते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे यदि 200 टर्न ले लिया तो 200 टर्न यदि अपन लेंगे तो मोटर की जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। वो स्पीड क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। और स्पीड जब ज्यादा होगी तो क्या होगा कि मोटर है वो गर्म ज्यादा होगी, तो इसलिए अपन जो मोटर है इस मोटर के अंदर जो प्रत्येक कॉइल के अंदर टर्नों की संख्या लेते हैं वो 230 लेते हैं। तो ये 230 जो टर्न अपन लेते हैं वो बेस्ट टर्न होते हैं। इसके अंदर जो मोटर की स्पीड है वो ना तो ज्यादा होती है और ना ही कम होती है, ये मीडियम स्पीड होती है और मोटर की जो लाइफ होती है वो लाइफ भी अधिक होती है। चलिए अब आगे अपन इसके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं। जैसे अपन इसके अंदर मैंने आपको 8 कॉइल बताई थी, 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की, तो चलो बनाते हैं। हाँ OTP 86-73
इसके अंदर थोड़ा इमरजेंसी होने की वजह से कुछ सेकंड के लिए सॉरी। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे अपने यहां ये जो अपने चार कॉइल जो ली है, चार कॉइल अपनी होगी रनिंग की और अपन चार कॉइल जो बनाएंगे वो स्टार्टिंग की बनाएंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग की। तो मैं चार स्टार्टिंग की बना रहा हूं, ये मैंने चार स्टार्टिंग की ले ली। अब दोस्तों इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो एक नंबर कॉइल है ये दो नंबर कॉइल है, ये तीन नंबर कॉइल है और ये चार नंबर कॉइल है। दोस्तों ये जो अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी ये एक नंबर कॉइल है, ये दो नंबर कॉइल है, ये तीन नंबर कॉइल है और ये चार नंबर कॉइल है। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे ये जो क्वाइल है अपनी एक नंबर क्वाइल, इसका ये एक नंबर सीधा हो गया, ये इसका दो नंबर सीधा, दूसरी क्वाइल का पहला सीधा, दूसरी क्वाइल का दूसरा सीधा, ये पहला सीधा, इसका दूसरा सीधा, इसका पहला सीधा, इसका दूसरा सीधा। इसी प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग में ये पहला सीधा, दूसरा सीधा, पहला सीधा, दूसरा सीधा, पहला सीधा, दूसरा सीधा, पहला सीधा और दूसरा सीधा, ये आ गया। दोस्तों अब इसके अंदर अपने को वो क्या करना है कि अब अपने पास कुल मिला के 16 सिरे हो गए, 16 सिरे। अब ये तो ये जो अपना बोर्ड है इस बोर्ड के ऊपर तो करना आसान होता है, लेकिन जब मोटर के अंदर अपन वाइंडिंग करते हैं तो वहां एक जाल सा बन जाता है, उस जाल के अंदर अपने को इनके टर्मिनल सिरे हैं उनको पहचानना पड़ता है कि कौन सा क्वाइल का स्टार्ट सिरा है और कौन सा क्वाइल का एंड सिरा है। तो अपने पास ये स्टार्ट सिरा, ये एंड सिरा, ये स्टार्ट सिरा, ये एंड सिरा दोनों में हो गया। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। अब मैं ये जो पहली क्वाइल ले रहा हूं, इस पहली क्वाइल का अंतिम सिरा ले रहा हूं मैं, पहली क्वाइल का अंतिम सिरा दूसरी क्वाइल के अंतिम सिरे से जोड़ दिया, दूसरी क्वाइल का प्रथम सिरा तीसरी क्वाइल के प्रथम सिरे से और तीसरी क्वाइल का अंतिम सिरा चौथी क्वाइल के अंतिम सिरे से। ठीक उसी प्रकार स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। दोस्तों कुल मिला के चार सिरे अपने पास आ गए। अब आगे इसके कनेक्शन और करते हैं। अब अपने पास दो सिरे रनिंग के आ गए और दो सिरे स्टार्टिंग के आ गए। अब दोस्तों आगे अपन क्या करते हैं, इनमें से दो वायर अपन कॉमन करेंगे, एक सिरा स्टार्टिंग का और एक सिरा रनिंग का। तो एक सिरा मैंने ये ले लिया और एक सिरा मैंने ये ले लिया, ये सिरा मैंने ले लिया, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया और इस इनको मैंने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे मैंने एक स्विच ले लिया, ये स्विच ले लिया और ये मैंने सप्लाई ले ली यहां पे, दे दी फेज, ये मैंने यहां क्या दे दिया, इसको फेज दे दिया, यहां पे मैंने फेज दे दिया। दोस्तों अपन कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का कोई भी सिरा अपन ले सकते हैं, यही नहीं कि मैंने यहां से ये लिया तो मैं यही लू, नहीं, इसको और इसको भी ले सकते हैं और इसको भी कॉमन आप कर सकते हैं। अब अपने पास दो सिरे और बच गए। अब मैं यहां एक कैपेसिटर लगा रहा हूं, ये अपने पास कैपेसिटर है,
कैपेसिटर के सिरे हैं और यहां मैं एक टू वे स्विच ले रहा हूं, और यहां मैंने इसको न्यूट्रल दे दिया, यहां मैंने न्यूट्रल दे दिया, और कैपेसिटर का जो ये सिरा है ये मैंने यहां इससे जोड़ दिया और ये सिरा मैंने इसको यहां जोड़ दिया। अब रनिंग वाइंडिंग का जो ये सिरा अपने पास बचा हुआ था ये मैंने यहां दे दिया, और इसका ये सिरा जो ये था इसको मैंने यहां दे दिया। दोस्तों अब यहां से अपन इसको सप्लाई दिया तो ये फेज वायर था, स्विच को जब ऑन करेंगे तो सप्लाई इसके अंदर जाएगी, तो इसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, इस क्वाइल में इसका डायरेक्शन ये होगा, इस क्वाइल में करंट का डायरेक्शन ये होगा और इस क्वाइल में करंट का डायरेक्शन ये होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी यही चीज आएगी, यही डायरेक्शन इसमें होगा और इसमें भी यही डायरेक्शन होगा। दोस्तों इसके अंदर एन पोल बन गया, इसमें एस बन गया, इसमें एन बन गया, इसमें एस बन गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन उनके कनेक्शन कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो टू वे स्विच अपने काम में लिया है तो ये टू वे स्विच काम में इसलिए लिया है कि ये जो मोटर है इस मोटर की घूर्णन गति अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपन ले सकते हैं। इसको ऑन करके अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपन इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं, बदल सकते हैं। अब आगे इसमें दोस्तों ये आता है इसकी ये जो मधानी जो मोटर है इस मधानी मोटर की जो मरम्मत कैसे की जाती है। दोस्तों इसके अंदर मरम्मत के अंदर कोई ज्यादा विशेष नहीं होता है, जैसे इसके अंदर बूस आती है, कई आजकल जो मधानी की मोटरें आ रही हैं उनके अंदर बियरिंग भी आने लग गया है। तो दोस्तों कई बार देखने में ये आता है कि बियरिंग के अंदर तो ऑयल दे दिया और बूस के अंदर ग्रीस लगा दिया। तो दोस्तों हमेशा याद रखने की बात यही है कि जो अपना बियरिंग होता है उस बियरिंग के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल दिया जाता है और जो अपनी बुश होती है उस बुश के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है और बियरिंग के अंदर ग्रीस लगाया जाता है। तो इसके अंदर हमेशा याद रखनी है दोस्तों बियरिंग के अंदर अपने को ग्रीस ही यूज में लेना है और बुश के अंदर लुब्रिकेंट ऑयल ही यूज में लेना है। अब दोस्तों ये आपके सामने मधानी मोटर का कनेक्शन, मधानी मोटर के अंदर कौन कौन सी रिवाइंडिंग के लिए रॉ मटेरियल यूज में लिया जाता है, कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, कैसे इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो वो ढूंढा जाता है। दोस्तों फॉल्ट ढूंढने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो मल्टीमीटर यूज में लेते हैं या टेस्टिंग लैंप से अपन टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपना एक सिरा यहां लगा दिया और दूसरा सिरा यहां लगाएंगे, जैसे कंटिन्यूटी बता रहा है तो इसका मतलब वाइंडिंग अपनी क्या है, सही है। इसलिए अपन दोनों रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को अपन टेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरा यह है वीडियो आपको पसंद आया, यदि पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और सभी ग्रुपों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।